महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा. श्रीकांत शिंदे व पप्पू कालानी एकाच व्यासपीठावर भोजपुरीत भाषण करून दिले समर्थन. काल उल्हासनगर शहरात रामनवमीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडत असताना शहरातील राजकारणात एक नवीन ट्विस्ट आल्याचे पाहायला मिळाले. माजी आमदार सुरेश उर्फ पप्पू कालानी यांनी शिंदे गटाचे लोकसभेचे उमेदवार श्रीकांत शिंदे यांच्या समर्थन देण्याची घोषणा केली. भोजपुरी भाषेचा वापर करत प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी अनोख्या पद्धतीने श्रीकांत शिंदे यांना समर्थन दिले असून उल्हासनगर शहरातील राजकीय क्षेत्रात हुकुमाचा एका मानल्या जाणाऱ्या माजी आमदार पप्पू कालानी यांच्या मार्गदर्शनाने श्रीकांत शिंदे यांना उल्हासनगरमध्ये अधिक मताची लीड देऊन बहुमताने निवडून आणू अशी घोषणा केली. यही कहूंगा की श्रीकांत शिंदे जी जब तक हमार साथ है उत्तर भारती की क्यों हाथ ना लगा पाई, इस खासदार श्रीकांत शिंदे की आवाज है. और हम जाते जाते यही कहते ही हम यही कहते ही कि श्रीकांत शिंदे के साथ पप्पू कालानी खड़ा है, ये बब्बर शेर जब खड़ा है तो उल्हासनगर में सबसे ज्यादा वोट श्रीकांत शिंदे जाके जाएंगे जाए. आने वाले 20 तारीख के जब अपन घर से निकलबा, जब अपने घर से निकलबा तो एक बात सोच के रखा कि ओकर बेटा है एकनाथ शिंदे का, जेने पूरे हमारे उल्हासनगर में विकास कहला, हम ओके वोट दी. श्रीकांत शिंदे जी युवा है और जब ये वोट हम श्रीकांत शिंदे जी के दी तब एक बात है कि दिल्ली में श्रीकांत शिंदे जी जब जाई लोकसभा के अंदर तो हमारी उत्तर भारती की आवाज बुलंद करके वहां से वापस आई. इसी के साथ साथ मैं आदरणीय पप्पू कालानी जी की तरफ से मैं आश्वासित करता हूं कि सबसे ज्यादा जो लीड होगी वो उल्हासनगर से होगा. धन्यवाद. तुम लगन हमारी जान होगा. सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. कमलेश राय जी को धन्यवाद. यहाँ पर आज पप्पू कालानी जी यहाँ पर उपस्थित है, प्रदीप रामचंदानी जी है, सभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और टीओके के प्रमुख यहाँ पर पप्पू कालानी जी, उनके सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है. आज मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि राम मंदिर बनने के बाद पहली रामनवमी जो है प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में हमने आज मनाई. जो 500 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे वो 500 साल का सपना 22 जनवरी को पूरा हुआ और 500 साल का सपना पूरा होने के बाद मंदिर बना और मंदिर में हमारे राम लल्ला जो है विराजमान हुए हैं. और आज के दिन हमेशा इतने सालों तक हम लोग राम लल्ला की पूजा जो है रामनवमी जो है एक छोटी सी कुटिया में मनाते थे, आज जो है बड़े मंदिर में जो है हम लोग ने रामनवमी यहाँ पर मनाई. तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.